वेलकम, आपका स्वागत है राजस्थान के भूगोल में और समर्पण में भी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में परिवहन, और राजस्थान में परिवहन में हमने रेल परिवहन देख लिया था और वायु परिवहन देख लिया था। आज का जो वीडियो हमारा है वह है सड़क परिवहन को लेकर के। आज का हमारा जो वीडियो है वह सड़क परिवहन को लेकर के है। सड़क परिवहन में मैं आपको पुराने आंकड़े यानी पुराने नेशनल हाईवे के बारे में बताऊंगा और नए आंकड़े यानी नए नेशनल हाईवे के बारे में बताऊंगा, और उससे मतलब सड़कों की जो लंबाई है वो नए आंकड़े के माध्यम से भी बताता जाऊंगा। तो हम पुराने नेशनल हाईवे भी पढ़ेंगे और नए नेशनल हाईवे भी पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी पूछ ले, चाहे पुराने वाले पूछ ले तो भी हम उसको क्लियर कर सके, मतलब सही कर सके आंसर को, और नए वाले पूछ ले तो भी हम अभी से तैयार रहें, क्योंकि नए वाले आंकड़े हर जगह यानी गूगल मैप्स पे भी अपलोड कर दिए गए हैं, बुक्स में भी आ चुके हैं, पुस्तकों में भी नए आंकड़े दे दिए गए हैं, तो हमें नए आंकड़े भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नए आंकड़ों को भी हम मतलब पुराना आंकड़ों के साथ जोड़ते हुए नए आंकड़े पढ़ेंगे। सड़क परिवहन का जो वीडियो है वो दो वीडियो बनेंगे। कितने वीडियो बनेंगे? सड़क परिवहन के दो। आज का पहला वीडियो सड़क परिवहन का, शुरू करते हैं। पहले आंकड़ों से ही जो पूछे जाने योग्य है उनकी बात कर लेते हैं। राज्य में वर्ष 2015-16 में नेशनल हाईवे NH, ठीक है, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, ये पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताता हूँ मैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 2015 तक या 2016-18 तक कितने नेशनल हाईवे हैं, लंबाई कितनी नेशनल हाईवे की, 8168.20 किलोमीटर, यानी कुल मिला के 8168 किलोमीटर राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई है। टोटल नेशनल हाईवे राजस्थान में इतने हैं, इतनी लंबाई है। एक क्वेश्चन में अभी हाल ही में पूछा गया था 2013-14 में, वर्ष 2013-14 तक राजस्थान में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, उसमें आंसर ये सही माना गया था। तो हम पुराना आंकड़े भी बताता चला जा रहा हूँ आपको, और नए आंकड़े भी, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। एक दो बार आप उसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान हो जाएंगे कितनी कितनी लंबाई है। ठीक है, 2015-16 तक 8168 किलोमीटर, 2013-14 में 7310 किलोमीटर, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कें यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें, कच्ची सड़कें, सब मिला के यानी सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ये पूछी गई है एग्जाम में। तो मार्च 2016 तक राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 217,707 किलोमीटर, कितनी है, 217,707 किलोमीटर है मार्च 2016 तक, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, वर्ष 13-14 तक राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तब तक थी 13-14 तक 191,694, कितनी थी, 191,694 किलोमीटर थी। तो ये पुराने एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, यानी पूछा गया, इसलिए मैंने ये आंकड़े लिखवाए, नहीं तो मैं नहीं लिखवा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में सड़कों की सघनता क्या है, ठीक है, उसके बारे में। वर्ष 2015-16 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर यानी 100 वर्ग किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर ऐसे यानी 100 किलोमीटर का वर्ग बन गया, ठीक है, 100 किलोमीटर वर्ग में सड़कों का घनत्व कितना है, ठीक है, तो कितना है 2015-16 तक कितना था, 60.88 किलोमीटर का, ठीक है, वर्ष 2015-16 तक। यही बढ़कर वर्ष 2016-17 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ही कितनी सड़कों यानी 3 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी नया आंकड़ा क्या है, तो 63.61 किलोमीटर वर्तमान में ये है, ठीक है, तो बढ़ोतरी हुई है। राज्य अगर नेशनल की सघनता से बात करें, पूरे देश की सघनता से, राजस्थान की सघनता से बात करें, तो राजस्थान काफी पिछड़े नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कितने, ध्यान रखना 38 है, कितने हैं वर्तमान में राजस्थान में नेशनल हाईवे कितने हैं, 38, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, राजस्थान में जो मेजर मेजर नेशनल हाईवे उनकी आज चर्चा शुरू कर लेते हैं।
ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP बोला जाता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? NHDP या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर का जन्म दिवस है, तो 25 दिसंबर 2000 से ये शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की। That's clear? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राज्य में और पूरे देश में, क्योंकि ये पूरे देश में काम करता है NHDP, ठीक है, तो अपने सिर्फ राजस्थान का ही पड़ रहा है, तो पूरे देश में जो NHDP है उसका पहली इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो बड़े बड़े महानगर है उन तक जो सेवाएं हैं, ठीक है, वो त्वरित हो जाए, जल्दी से जल्दी जो वाहन है वो जल्दी से जल्दी यात्रा करके जल्दी पहुंच जाए, उनमें बाधा नहीं हो, ठीक है, उनमें ट्रैफिक की मतलब ट्रैफिक जाम की जो रुकावट रहती है, बाधा रहती है, वो कम करना था, और त्वरित त्वरित या जल्दी से जल्दी सुविधाओं को पहुंचाना या सेवाओं को देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। देश के बड़े बड़े महानगरों को NHDP के तहत जोड़ा गया था, ये जोड़ने की योजना बनाई गई थी, इनका उद्देश्य था। उसके अलावा इसमें उद्देश्य ये है कि 4 लेन 6 लेन जैसे NH नेशनल हाईवे बनाना, 4 लेन 6 लेन जैसे नेशनल हाईवे का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य था। चरण, इसके 4 चरण है, NHDP ने कितने चरण में काम करना शुरू किया? 4 चरणों में। वर्तमान में 2 प्रस्तावित है, पंचम और षष्ठम अभी शुरू नहीं हुए पर 4 चरण हो गए। पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देखो नाम से स्पष्ट है, गोल्डन चतुर्भुज, ठीक है, यानी स्वर्णिम यानी चतुर्भुज की निर्माण करना पूरे देश में। आपको पता होगा भारत की जो स्थिति है, पूरे भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करना, कैसे? दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से, तो पूरी तरह चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से राजस्थान का क्या संबंध, मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले हम क्लियर कर दे, ठीक है। दूसरा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या गलियारा, यानी पूर्व से पश्चिम तक निर्बाध रूप से वाहनों के लिए, सड़क वाहनों के लिए, ठीक है, सड़क यातायात के लिए सुविधाएं देना, यानी पूर्व कहाँ है पहले, यहाँ और ये पश्चिम, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये सुविधा, यानी असम के, मैं आपको बता दूं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, और वापस दिल्ली को। पूर्व पश्चिम गलियारा है वह पूर्व में असम के सिलचर से शुरू होता है, कोलकाता हुए, मध्य भारत से होता हुआ गुजरात के पोरबंदर तक आता है, गुजरात के पोरबंदर तक, इसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी यहाँ पर कोई पोर्ट यानी पोरबंदर एक तरह से कह सकते हैं बंदरगाह, वहां पर कोई कार्गो वगैरह उतरते हैं या सामान की सेवाओं पूरे भारत में या पश्चिम तक दी जा सकती सीधा एक बोर्ड से। नेक्स्ट अगला है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ना, उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ना, इसे बोला गया उत्तर दक्षिण कॉरिडोर सीधा, यानी जम्मू से रोड पकड़ा सीधा कन्याकुमारी पर जा सकते हैं निर्बाध रूप से वाहनों के लिए। और अगला चरण था वो है प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो परियोजना। प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो परियोजना है उसकी शुरुआत हुई थी 14 फरवरी, उसकी शुरुआत हुई थी 14 फरवरी 2001 को, 14 फरवरी 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, सॉरी 2004 एक नहीं 2004, ठीक है, 14 फरवरी 2004 को प्रधानमंत्री भारत सड़क जोड़ो परियोजना शुरू की, उससे पहले यह परियोजना शुरू हुई, ये 14 चरण कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहां हुई, पुणे में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो 5-5 से गुजर रहे होंगे वहां उनको आपस में जोड़ना, ठीक है, राज्य स्टेट हाईवे हैं, मुख्य स्टेट हाईवे, बृहद स्टेट हाईवे, उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, यातायात त्वरित हो, ठीक है, तीव्र हो, इसलिए। उसके अलावा चार जो 2 लेन थे उनको 4 लेन बनाना, 4 लेन थे उनको 6 लेन बनाना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये 4 NHDP के प्रमुख चरण थे, उनके बारे में बात कर ली थी। उसके अलावा हम बात कर लेते मेगा हाईवे परियोजना, ठीक है,
ये है स्टेट की योजना यानी राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की योजना है मेगा हाईवे परियोजना। मेगा हाईवे परियोजना जिसे हम बोलते हैं रिडकोर, क्या बोलता है रिडकोर, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2004 में। कब हुई थी? अक्टूबर 2004 में। ये राजस्थान सरकार और प्राइवेट यानी इसमें राज्य सरकार यानी सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनी भी दोनों मिलकर ये मेगा हाईवे परियोजना शुरू की थी, जिसमें राज्य सरकार का 50% और मेसर्स IL FS का 50% भागीदारी दोनों की है। ठीक है, 50-50%, 50-50%। अगली योजना है मुख्यमंत्री सड़क योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क परियोजना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राज्य के जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है, जो प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, उनको आपस में जोड़ना मुख्यमंत्री सड़क परियोजना से। इनमें औद्योगिक रिडकोर जो है वो बड़े बड़े औद्योगिक मतलब बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जिले, उसके अलावा बड़े बड़े औद्योगिक शहर कह सकते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनको राज्य की राजधानी से जोड़ना इनका प्रमुख उद्देश्य था रिडकोर का। अगली परियोजना चेतक परियोजना। चेतक परियोजना का संबंध है सड़क परियोजना से, संबंध है पहली बात तो सड़क योजना से। इसका संबंध है राज्यों के जो सीमावर्ती जिले हैं, राज्य के सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण का कार्य चेतक परियोजना के तहत किया जाता है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाले जिले आ जाते हैं। दैट्स क्लियर। चेतक परियोजना ध्यान रखना, थोड़ा नाम अलग है और सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, राज्य में जो सड़क नीति है वो शुरू हुई थी 1994 में। राज्य की पहली सड़क नीति कब शुरू मतलब घोषित कब की गई? 1994 को। राज्य की पहली सड़क नीति 1994 को घोषित की गई। इस सड़क नीति के तहत हम कह सकते हैं कि देश मतलब राजस्थान देश का पहला राज्य ऐसा है जो अपनी सड़क नीति घोषित करने वाला था। ठीक है, जो अपनी सड़क नीति घोषित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, एक्सलेंट, ध्यान रहेगा। उसके अलावा नई सड़क नीति भी 2002 में या 1 में बन गई थी। नई सड़क नीति 2002। ठीक है, सड़क नीति, नई सड़क नीति 2002। उसके अलावा विकास नीति, सड़क विकास नीति अलग अलग चलती रहती है। सड़क नीति स्टार्टिंग में 1994 को राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, देश का। और नई सड़क नीति 2002 में। नेक्स्ट, 29 नवंबर, ये हाल ही का है, करंट का ध्यान रखना। 29 नवंबर 2016 को राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति मंजूर हो गई। ठीक है, इसको मंजूर मिल गई है। 29 नवंबर 2016 को राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति, सड़क सुरक्षा नीति कब मिली? 29 नवंबर 2016 को। मतलब इसका जो नियम है विधेयक वो पारित हो गया है और इसको मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट, अगली बात है राज्य स्टेट ब्रिज लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? राज्य स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1979 को। ठीक है, 1979 को राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना हुई यानी पुल निगम। ठीक है, इसी पुल निगम का नाम चेंज हुआ 19 जनवरी 2001 को। कब? 19 जनवरी 2001 को उसका नाम क्या रखा गया? RSRDCC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। दैट्स क्लियर। 19 जनवरी 2001 इसको नाम चेंज कर, पुल निगम का नाम चेंज करके RSRDCC कर दिया गया। उसके अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? इसको ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर 1994। कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 यानी 1964 को। तो ये प्रमुख बातें थी सड़क को लेकर के, मेजर जो नीतियां थी सब मैंने स्टूडियो में डाल दी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आने वाले नेशनल हाईवे कौन कौन से। पुराने नेशनल हाईवे पहले बात करते हैं, ओल्ड नेशनल हाईवे कौन कौन से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के पुराने में आते हैं, एक तो आता है नेशनल हाईवे 8। कौन सा आता है? नेशनल हाईवे नंबर 8। दैट्स क्लियर। उसके अलावा पुराने में आता है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के राजस्थान के अंतर्गत NH 70। ठीक है, NH 79 और NH 79 है, ध्यान रहेगा। ये पुराने ध्यान रखना, नए होता है NH 8, 8, NH 76,
NH79 और NH79-1, that's clear? ये पुराने कहां से कहां थे मैं बता देख लो। पुराना नेशनल हाईवे जो 8 था वो आपको पता है कि राजस्थान में जहां प्रवेश करता अलवर, जयपुर, अजमेर, अजमेर से राजसमंद, राजसमंद से वो आता था उदयपुर, उदयपुर से आता था डूंगरपुर और फिर आता था, दैट्स क्लियर, ध्यान रहेगा। तो पुराना नेशनल हाईवे नंबर डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अलवर से होता और दिल्ली और इधर अहमदाबाद और मुंबई चला जाता था, दैट्स क्लियर। उसके अलावा NH74 पुराना, ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा NH74 पुराना कहाँ शुरू होता था, तो सिरोही के पिंडवाड़ा से शुरू होता था, सिरोही के पिंडवाड़ा से शुरू होता था, वहां से होता हुआ उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा से गुजरता था, बूंदी से गुजरता था, फिर कोटा और फिर बाढ़ और फिर चला जाता था इलाहाबाद की ओर और कोलकाता, कोलकाता से सिलचर, ठीक है। तो राजस्थान में NH74 था, उस 74 में हम बात कर सकते हैं ये 74 था, परंतु वो स्वर्णिम चतुर्भुज से कहां जुड़ता था, स्वर्णिम चतुर्भुज से वो उदयपुर में जुड़ता था। जब नेशनल हाईवे नंबर 8 यहां पर आता, ठीक है, तो उदयपुर में नहीं जाकर के बाईपास दिया हुआ था, तो NH74 से उसको मतलब NH8 को NH74 को कुछ दूरी तय करनी पड़ती और फिर वापस वो NH कहां पर आता, 8 पर वापस आ सकता था, दैट्स क्लियर, समझ गए। तो ऐसे संबंध है। नेक्स्ट NH79 और 79A ये दोनों अजमेर में बाईपास के रूप में, कहां पर, अजमेर में, यानी जयपुर से अजमेर की जैसे आते तो बाईपास के रूप में वहां पर जुड़े हुए NH79 और 79A, तो वहां पर ये बाईपास के रूप में अजमेर में जुड़े हुए थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो नेशनल हाईवे है उनकी कुल लंबाई है 722 किलोमीटर, आपको दिख रहा है, नहीं तो यहां लिख रहा हूं कितनी, 722 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 722 किलोमीटर, ध्यान रहेगी। कितने जिले आते हैं, तो इसमें पुराने जिले अलग है, नए जिले अलग है, मैं आपको बता देता हूं। अब नए जिले याद रखने, तो वही ध्यान रखना, अब नए जिलों की बात है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 722 किलोमीटर राजस्थान में, ये पुराना हाईवे थे, अब नए हाईवे की बात कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई तो वही है 722 करंट आंकड़ों के आधार पर है। इसमें 7 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के, कौन कौन से, अलवर गिनते जाना 1, जयपुर 2, अजमेर 3, ठीक है, अजमेर के बाद भीलवाड़ा 4, भीलवाड़ा से चित्तौड़ 5, उदयपुर 6 और डूंगरपुर 7, हो गए 7, कितने हो गए, 7 जिले, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, उसके अलावा जयपुर और अलवर, ठीक है, 7 जिले ध्यान रहेंगे, ये नोट करना। अब ये मार्ग गुजरता कहां से, ये मार्ग दिल्ली से होता हुआ अलवर होता हुआ जयपुर होता हुआ अजमेर आता है, अजमेर, अजमेर में प्रॉपर नहीं आ पाता है, ठीक है, अजमेर से पहले किशनगढ़ आता है, क्या आता है, किशनगढ़, यहां पर किशनगढ़ में यह हाईवे सीधे नसीराबाद होता हुआ भीलवाड़ा आता है, कहां पर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से यह आता है चित्तौड़, कहां आता है, चित्तौड़, चित्तौड़ से यह आता है उदयपुर, उदयपुर से यह आता है डूंगरपुर होता हुआ अहमदाबाद की ओर चला जाता है, दैट्स क्लियर। तो यह तो था इसके मार्ग गुजरने का रास्ता। अब इसमें नेशनल हाईवे कौन से है, ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, नेशनल हाईवे नंबर 8 सबसे व्यस्ततम था, अब इसके नाम चेंज हो गया, इसका नाम अब दो मार्ग, दो नंबर याद रखने पड़ेंगे, एक तो याद रखना पड़ेगा 48, नेशनल हाईवे नंबर 8 का एक नाम है 48 और दूसरा है 58 कितना 48 और 58, ध्यान रहेंगे दोनों। तो ये जो मार्ग है आपको दिख रहा है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से किशनगढ़, किशनगढ़ से जयपुर, अजमेर, ये पूरा 48 कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 48। That's clear? 48, ध्यान रहेगा। अब देखो नेशनल हाईवे नंबर 8 कहां से होता जाता था, वो होता था किशनगढ़ से, जैसे हमने ये बताया किशनगढ़ से पहले 8 नंबर यहां से होकर जाता था राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर और फिर डूंगरपुर होता हुआ चला जाता था,
कहां? डूंगरपुर, यहां पर आपने बता देता ये डूंगरपुर, ठीक है। तो यहां से होता बता रहेगा। अब देखो नेशनल हाईवे नंबर 48, तो एक तो याद रखना है, आठ का नया नाम ये हो गया क्योंकि आठ पे जा रहा था, नया नाम जो जुड़ा है वो है 58, कौन सा 58, कौन सा हो गया 58, ध्यान रहेगा 50 आउट और 48, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत याद है। तो नेशनल हाईवे नंबर 8 के दो नाम 58 और 48। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने जिले में बता दिए, कहां कहां से ऊपर गुजरता है ये भी बता दिया, कितनी लंबाई ये भी बता दिया, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आने वाले मार्ग होंगे, ठीक है। अब एक ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में एक ही मार्ग है, कौन सा 48। नेक्स्ट अगला है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या गलियारा राजस्थान। पूर्व पश्चिम गलियारा जो राजस्थान में पुराना जो चलता था उसमें जो नेशनल हाईवे थे, ठीक है, वह आपके जो जिले गुजरते थे, सिरोही के पिंडवाड़ा से शुरू होता एक, उदयपुर दो, तीन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा चार, बूंदी पांच, कोटा छह और बारह सात, यहां से वह गुजरता था। जैसे मैं आपको बता देता हूं ये वाला, ये हो गया यहां से, ये हो गया। तो पहले इसका नंबर क्या था, पहले पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में दो मार्ग आते थे, कितने मार्ग आते थे, दो, पुराने वाले लिख रहा हूं यहां पर, एक तो आता था नेशनल हाईवे नंबर 14 और एक आता था 76। तो 76 का आपको पता चल गया कौन सा, सिरोही के पिंडवाड़ा से लेकर के यहां तक, और दूसरा जो था नेशनल हाईवे नंबर 14 वो यहां पर था, ठीक है। यानी जो 14 नंबर है वो पिंडवाड़ा होता हुआ दूसरी जगह निकल जाता था और वो 14 नंबर पोरबंदर तक जाता था, कहां तक, पोरबंदर तक, कहां पर, पोरबंदर। परंतु अब इस पहले दो मार्ग थे, अब एक ही मार्ग, इसका पूरा नंबर एक हो गया है, और वो कौन सा, यानी पहले 76 का नया नाम आपको मैं दे रहा हूं, 8 का नया नाम दे दिए मैंने, 76 के नया नाम दे रहा हूं मैं, 76 का नया नाम है और वो है 27, क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 27। अब देखो इसमें यह होता है जैसे 48 यहां पर आता है, यहां पर ये 27 का काम करेगा, ठीक है, तो दो तरह से ये, तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट्स क्लियर। 27 नंबर 76 का नया नाम है और वही जो 14 नंबर पहले यहां तक था, यानी पिंडवाड़ा से पोरबंदर जो जाता था उसका नाम भी 27 ही कर दिया गया, पोरबंदर तक पूरी तरह 27, पोरबंदर शुरू होता है राजकोट होता हुआ ये पिंडवाड़ा तक आता है 27 नंबर से जाना था, फिर राजस्थान में भी ये 27 नंबर से नाम से जाना जाता है। ये कहां का, बारा, कोटा, बूंदी से गुजरता है, पिंडवाड़ा से गुजरता है, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही के पिंडवाड़ा से, दैट्स क्लियर, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया। राज्य में इसकी जो लंबाई है, पहले 14 किलोमीटर जो थी उसकी लंबाई थी 60 किलोमीटर, इसकी थी 468 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर कितनी होगी 528 किलोमीटर, बराबर 68 कितनी 528 किलोमीटर राजस्थान में पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। देखो पुराने भी बताता जा रहा हूं, नए भी बताता जा रहा हूं, दोनों ध्यान रखते हैं आपको। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है गलियारा, वह राजस्थान के धौलपुर जिले से, कौन से जिले से, एक जिले से, इसमें 7 जिले थे, इसमें भी 7 जिले, ठीक है। अब धौलपुर से जो गुजरेगा, यानी धौलपुर ये ला, ठीक है, जो आगरा मुंबई, कौन सा, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे ये, ठीक है, तो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे उसी का एक पार्ट के रूप में कुछ नेशनल हाईवे जोड़ करके उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का एक भाग बन जाता है। तो राजस्थान में धौलपुर से गुजरता है नंबर एक बार, कितनी लंबाई है, तो 28 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर लंबाई राजस्थान में, 28 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, राजस्थान में धौलपुर से गुजरता है। पहले इसका नेशनल हाईवे नंबर कितना था, 3 था, कितना था, 3 नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 3 था, परंतु इसका नाम अब चेंज कितना हो गया, 44, कितना हो गया, 3 का नया नाम क्या है, 44, 76 का नया नाम क्या है, 27, ठीक है, 8 के दो नए नाम 48 और 58, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 12 जो आपके जयपुर से शुरू होता है, टोंक, बूंदी, कोटा से होता हुआ चला जाता था, चलावड़ होता हुआ, उसका नया नाम है 52, नया नाम क्या है,
52 यस क्लियर ध्यान रहेगा। यहां पर ध्यान रखना अजमेर, अजमेर के बाद जो ये दिख रहा है अजमेर से किशनगढ़, ये जो नया मार्ग है उसका नंबर है 448 448। कौन सा 448 448, क्योंकि 58 है वो यहां पर मुड़ जाता है और आगे नागौर की तरफ चला जाता है। ठीक है, आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे समझ में आ गए होंगे, मैंने नए मार्ग भी बताए हैं नेशनल हाईवे और पुराने भी बताए, आपको ध्यान रखना है। पहले चार थे अब इसमें नया नाम नंबर कौन सा जुड़ गया आपको पता चल गया, तो इस तरह सब में आप नोट करना अच्छे से पता चल जाएगा। एक दो बार रूटीन करोगे तो नए नेशनल हाईवे नंबर भी याद हो जाएंगे। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।